आ जाती है कीवे की 300 सीसी K300R K300R जी। इसका जो प्राइस है ऑन रोड दिल्ली है वो है 183,000 विद ABS है, फ्रंट डिस्क है सिंगल, ड्यूल चैनल ABS, रियर सिंगल है। Hey guys, welcome back to my another YouTube video. It's me, Princing, and you are watching UP15 Vlogger. दोस्तों आज हम आए हैं बेनली कीवे में, जो कि राजा गार्डन में लोकेटेड है, रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली में। इतनी सारी बाइक्स रहने वाली है, सारी की सारी नई बाइक रहने वाली है। बहुत अच्छे प्राइस है सभी बाइकों के, बहुत क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, और इनका जो लुक है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट दोस्तों। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो एंड ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कैसे हो राहुल भैया? आई एम फाइन एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन भैया। तो भैया आज की जो वीडियो रहने वाली है बेनली की, फर्स्ट टाइम मैं शोरूम में विजिट कर रहा हूँ यहाँ राजा गार्डन वाले में, तो सबसे पहले तो यहाँ की लोकेशन बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। ये लोकेशन जो है राजा गार्डन है, नियर बाय रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन, वॉकिंग डिस्टेंस है 2 मिनट्स का ओनली। ठीक है, तो आज क्या स्टॉक रहने वाला है हमारी वीडियो में, क्या क्या स्टॉक कवर कराने वाले आज का स्टार्टअप है मैं आपको बता देता हूँ। ये है वेंडा 300, वेंडा 300, ठीक है जी। इनलाइन 2 सिलेंडर, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं तो वीडियो अच्छी बताइए। इनलाइन 2 सिलेंडर, लिक्विड कूल इंजन, ड्यूल डिस्क, ड्यूल चैनल ABS, ठीक है, ड्यूल चैनल ABS विद बेल्ट मिलेगा इसमें आपको। अच्छा, इसमें वो नहीं है, इसमें चेंज होता है? चेंज नहीं है, इसमें बेल्ट सिस्टम है। ठीक है, तो इसकी जो इंजन पावर है वो है 29.5 BHP है एट 8500 RPM एंड टॉर्क जो इसका 26.5 Nm है 6500 RPM। ठीक है, जो इसका 15 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका। अच्छा, 15 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका जी। ग्राउंड क्लीयरेंस में मिल जाता है आपको 158 mm, लिक्विड कूल इंजन है। तो बेस की अगर प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस रहने वाला है इसका? ऑन रोड दिल्ली जो इसका प्राइस है वो है 5,04,000। 5,04,000 का प्राइस रहने वाला जी। दोस्तों ये बाइक का जो प्राइस रहने वाला है दोस्तों, ये बिल्कुल नई बाइक है, न्यूली बाइक का प्राइस ये बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि न्यूली बेनली का शोरूम है तो यहाँ पर नई बाइक अवेलेबल रहती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, ये वाली कौन सी है भैया? उसके बाद ये आ जाती है कीवे की 250 SR250 जी। ठीक है, ये सिंगल सिलेंडर है, ऑयल कूल, सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल, या फ्रंट एंड रियर दोनों ABS है, ड्यूल चैनल। ठीक है, एंड इसकी जो पावर है वो है आपकी 16.8, इसमें आपको BHP मिल जाती है विद 7500 RPM या एंड 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। ग्राउंड क्लीयरेंस जो इसका काफी अच्छा है 160 mm है। ठीक है भैया, आप यहाँ पर इसका बता रहे थे कि इसका कोई और भी मॉडल अवेलेबल रहता है, जो कौन सा है वो? इसमें एक इससे नीचे मॉडल आता है SR125cc। 125cc का इंजन होता है? अच्छा, 125cc का इंजन होता है इसमें, और उसमें डिफरेंस सिर्फ 3 चीजों का है। क्या, इसमें आपको ABS मिल रहा है, उसमें आपको ABS नहीं मिलेगा, वो विदाउट ABS है, और प्लस ये ऑयल कूल इंजन है, वो एयर कूल इंजन है, वो एयर कूल इंजन है जी। एंड इसमें आपको फ्रंट में ये देखिए LED मिल रही है, एंड उसमें जो आपको मिलेगा वो नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल जो हैलोजन लैंप होता है वो मिल जाता है जी। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है 250cc का? इसका जो प्राइस है ऑन रोड दिल्ली है वो है 1,83,000। 1,83,000, ठीक है। एंड जो SR125 है उसका ऑन रोड प्राइस है 1,46,000 जी। दोस्तों दोनों बाइक आप लोग अवेल करके लेकर जा सकते हैं बेनली के शोरूम पर आकर, क्योंकि दोनों ही बाइक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस का, लेकिन उसमें जो अगर डिटेल से या फिर इसके थोड़े से एडिशनल चीजों की बात की जाए तो उसमें तो आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बताइए कैसी लगी ये बाइक, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, ये वाली कौन सी आ गई है भैया? ये मोटो मोरेनी की है, सीएमए मेजो 650cc। 650cc जी। ये इनलाइन 2 सिलेंडर है, लिक्विड कूल इंजन, ठीक है। इसमें आपको ABS मिलता है, ड्यूल चैनल ABS, ठीक है। फ्रंट ड्यूल डिस्क है, रियर सिंगल है, ओके। सिंगल मोनो सस्पेंशन इसमें, ठीक है। एंड इसमें जो इंजन पावर मिलती है वो मिलती है आपको 55 PS विद 8500 RPM पे, एंड 54 Nm टॉर्क है 7000 RPM पे। 7000 RPM पे,
ठीक है, इसकी जो है TFT डिस्प्ले दी हुई है, TFT डिस्प्ले है इसमें। ठीक है, ये भी 200, ये भी LED हेडलैम्प के साथ में आती है जी। ठीक है, तो इसका प्राइस की अगर बात करें तो इसका डेली ऑन रोड प्राइस है 8,24,000। 8,24,000 इसका प्राइस रखा हुआ है दिल्ली में, दिल्ली ऑन रोड प्राइस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बाइक कौन सी आती है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है QJ की है। QJ जी, ओके। SRK 400 जी, 400 CC का इंजन रहने वाला है ये। 400 CC है, इनलाइन 2 सिलेंडर, इनलाइन 2 जी, लिक्विड कूल इंजन के साथ, फ्रंट ड्यूल डिस्क है। अच्छा, फ्रंट में भी ड्यूल डिस्क दिए हुए हैं जी, 400 में फ्रंट ड्यूल डिस्क है, क्या बात है। विद ABS, ड्यूल चैनल ABS है, लिक्विड कूल इंजन है। एंड इसमें आपको प्लस वन एक बेनिफिट मिल रहा है, सिंगल मोनो सस्पेंशन दिया हुआ, सेल्फ एडजस्टेबल विदाउट एनी टूल, आप इसको सेल्फ एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, विथ योर ओन हैंड इजिली लाइक दिस, सॉफ्ट एंड हार्ड अकॉर्डिंग टू योर हाइट राइड, आप सेल्फ एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग देखिए बाइक कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एक बार इसके जल जाते हैं हेडलाइट आपको दिखाते हैं, और इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो है 4,45,000। 4,45,000 में 400 CC की बाइक मिल जाएगी जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आती है वाली? इसके बाद फिर ये आ जाती है QJ मोटर्स की। QJ मोटर्स जी, ये 250 CC बाइक है। ठीक है, ये पैरेलल ट्विन इंजन है। अच्छा, पैरेलल ट्विन आ जाता है इसमें, डबल सिलेंडर है इसमें, सिंगल सिलेंडर नहीं, डबल सिलेंडर मिल जाता है। एयर कूल इंजन है इसके, लिक्विड कूल इंजन है इसके अंदर, लिक्विड कूल इंजन है जी। इसमें आपको जो पावर मिलती है वो 17.5 PS मिलती है 8,000 RPM पे, और जो टॉर्क है वो मिलता है 17 at 6,000 RPM। ठीक है, उसका कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए आप लोगों दोस्तों, सिल्वर कलर की बाइक, सिल्वर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में कैसी बाइक लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये बाइक चमचमाती बाइक, इसका लॉक सिस्टम किस साइड से? अच्छा, चाबी नहीं लगी हुई है इसमें जी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोगों को बाइक कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके अगर प्राइस की बात कर लेते तो भैया क्या प्राइस रहने वाला है? ये ऑन रोड 2,19,000। ऑन रोड कितना है? 2,99,000। 2,19,19 जी दोस्तों, 2,19,000 रुपए में आप लोगों को ऑन रोड ये बाइक मिल जाएगी आप लोगों को। आप लोग देख लीजिए, बताइए कमेंट सेक्शन में कैसे लगी आप लोगों को बाइक। चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, ये कौन सी रहने वाली है? ये QJ है, ये भी ये क्रूजर बाइक है। अच्छा, क्रूजर बाइक है जी। ठीक है, ये V-twin इंजन। अच्छा, V-twin इंजन है इसका जी। ये V-twin इंजन में आपको मिल रही है, लिक्विड कूल इंजन है। इसकी अगर हम पावर की बात करते हैं तो इसमें आपको 36 PS का BSP मिल रही है एट 9,000 RPM, 26 Nm टॉर्क मिल रहा है एट 5,000 RPM। ठीक है, ये चैन सिस्टम में है। ये चैन सिस्टम में जी। ओके, इसके अगर कर लेते हैं प्राइस की बात तो प्राइस क्या रहने वाला है इसका? ये दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 3,80,000। 3,80,000 है जी, बिल्कुल। ठीक है, प्राइस क्या बताया इसका आपने? 3,80,000। दोस्तों 3,80,000 रुपये में आप लोग ये वाली बाइक भी लेकर जा सकते हैं। आप लोग देख लीजिए बाइक की कंडीशन कैसी लग रही है, बाइक आप लोगों को जो लुक वाइज है वो कैसा लग रहा है, सब कुछ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, एक और, ये कौन सी आ गई है? ये भी सेम QJ है। अच्छा, ये भी सेम है जी, ये क्लासी लुक में है। QJ 500 CC है जी। ठीक है, इसमें जो आपको पावर मिल रही है वो मिल रही है 25 BHP मिल रही है 25.5 एट 5,750 RPM, एंड जो इसका टॉर्क है वो 36 Nm टॉर्क है 4,250 Nm पे RPM। ठीक है, इसके अगर प्राइस की बात कर ले तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है? इसका प्राइस ओनली एंड ओनली 3 लाख। ओनली 3 लाख? 3 लाख में आपको 500 CC बाइक मिल रही है। तो दोस्तों 3,00,000 रुपए में 500 CC की बाइक आप लोगों को मिल रही है। आप लोग देख लिए बाइक कैसी लग रही है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोगों को इन सभी बाइक में कौन सी बाइक ज्यादा पसंद है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं एक और नेक्स्ट बाइक की तरफ, ये कौन सी आ गई भैया? ये है बेनेली की 502C। 502C जी, क्रूजर नेकेड बाइक। क्रूजर नेकेड बाइक, ठीक है। इसमें आपको फ्रंट ड्यूल डिस्क मिल रहे हैं विद ABS, ड्यूल चैनल ABS, लिक्विड कूल इंजन है, इनलाइन 2 सिलेंडर है। इसका कितना सीसी का इंजन है इसका? 500 CC। 500 CC। इसमें जो आपको पावर मिल रही है वो मिल रही है 47.5 BHP विद 8,500 RPM। ठीक है, 6-speed gears हैं सेम। एक बार इसकी हेडलाइट ऑन करके दिखाओगे आप? जी बिल्कुल। एंड जो इसमें प्लस पॉइंट है वो सबसे ज्यादा वो ये है कि इसका फ्यूल टैंक जो है 21 लीटर का है। अच्छा, 21 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है इसका? 21 लीटर फ्यूल टैंक। ठीक है, मतलब एक ही बार डलाना है पेट्रोल, उसके बाद जाके ट्रिप भी कंप्लीट करके आ जाओ, उसके बाद रिफ्यूल कराना पड़ेगा।
तो इसका प्राइस अगर बात कर लेते हैं प्राइस की, तो क्या प्राइस रहने वाला है इस वाली का? इसका जो दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 6,27,000। 6,27,000 जी। तो 6 लाख 6.5 लाख रुपए में आप लोगों को ये बाइक मिल जाएगी। यहाँ पे ऑन करके कर सकते हैं आप लोग बैनली में आकर, जो कि राजा गार्डन में लोकेटेड है। चलते एक और बाइक की तरफ, ये वाली कौन सी है भैया? ये TRK 502 एडवेंचर है। ये बैनली है अभी? जी ये बैनली की है। ठीक है, TRK 502। 502 ठीक है। इनलाइन 2 सिलेंडर। दोस्तों देख लीजिए बाइक की एक बार, ओवरऑल लुक देख लीजिए आप लोग, बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है इसका लुक वाइज भी। और बाइक की डिटेल्स की अगर आगे बात कर लेते हैं, तो भैया बताएं कि डुअल डिस्क के साथ में बाइक रहती है, डुअल डिस्क विद एबीएस रियर सिंगल है, प्लस इसमें स्पॉक्स मिल रहे हैं, ऑप्शन आते हैं एलॉय एंड स्पॉक्स के, स्पॉक्स मिल रहे हैं विद ट्यूबलेस। अच्छा, ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं स्पॉक्स में? जी। क्या बात है। और इसकी इंजन पावर की अगर हम बात करते हैं, वो 47.5 BHP इसकी एट 8,005 RPM, एंड इसका जो टॉर्क है वो 46 Nm टॉर्क है एट 6,000 RPM। ठीक है। इसके अगर भैया प्राइस की बात करते हैं, तो क्या प्राइस रहने वाला है इसका? जो है दिल्ली ऑन रोड प्राइस है, इसमें दो वेरिएंट हैं। ठीक है। एक तो आता है ये TRK 502 X की अगर हम बात करें, तो इसका ऑन रोड प्राइस है 7,56,000। और जो इसमें जी 7,56,000, और इसमें जो 502 है ओनली, उसका प्राइस है 6,98,000। 6,98,000 जी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं, ये कौन सी आ गई है भैया, ये बताइए सबसे पहले। इसके बाद फिर ये आ जाती है कीवे की 300cc K300R। K300R जी, ये सुपर बाइक में है। ठीक है। ये सिंगल सिलेंडर बाइक है। इसकी अगर हम इंजन पावर की बात करते हैं, तो उसमें आपको 27.5 BHP मिल रही है, 25 Nm टॉर्क मिल रहा है, 6 गियर के साथ में आती है जी। ठीक है। एक बार लाइट ओपन करके दिखा दे दोस्तों, हेडलाइट देखिए इसकी कितनी प्यारी है, कितनी यूनिक लग रही है। इसके प्राइस की अगर बात कर लेते हैं, क्या प्राइस रहने वाला है इसका? इसका जो दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 3,18,000। 3,18,000 ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट, ये सेम वही ऐसा 250cc है ब्लैक कलर में। अच्छा, जो पहले वाली बताई थी, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आती है, ये वाली? उसका ये भी सेम वही है ग्रे कलर में, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, मोटो मोरेनो की 650cc। अच्छा, स्टार्टिंग वाली जी। ठीक है। इसका भी सेम रहने वाली सब चीज डिटेल और प्राइस वगैरह सेम वही है। ठीक है। 8,24,000। उसके बाद ये जॉन टेस में आ जाती है, 350cc है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन विद ड्यूल चैनल ABS। इसका ये क्या डिस्क जो है कवर किया हुआ ऐसे आता है? ये डिस्क का कवर है, चाहे अलग से आता है? नहीं, ये इसके साथ ही है, इसी के साथ आता है जी। और ये स्पॉक्स में विद ट्यूबलेस मिल रहा है आपको स्पॉक्स। ठीक है। दोस्तों देख लीजिए बाइक की कंडीशन, कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आप लोग सब कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसकी जो है हेडलाइट, जो है हेडलाइट कौन सी है इसमें? LED है सब में। ये कीलेस है भाई? अच्छा, कीलेस बाइक है जी। एक्चुअली इसकी अभी PDI डन नहीं है, इसलिए ऑन नहीं है अभी ये। ठीक है। इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये जो है आपको ऑन रोड पड़ेगी 4,19,000। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हेडलाइट है इसकी। क्या बात, इसकी जो ये है इसकी की जी। ठीक है। इसको पास में रखना पड़ता है जी। इसमें आपको जो पावर मिल रही है 38 BHP मिल रही है, 32 Nm टॉर्क मिल रहा है, 15 लीटर फ्यूल टैंक मिल रहा है इसमें आपको, ग्राउंड क्लीयरेंस इसका जो है काफी अच्छा है 152 Nm। दोस्तों 350cc के इंजन में बाइक देख लीजिए आप लोग, कैसे लग रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके इंडिकेटर भी देख लीजिए कितने प्यारे कितने यूनिक है, ये देखिए। दोस्तों कर लेते भैया से इसके प्राइस की बात, तो भैया कितना प्राइस रहने वाला है इस बाइक का? इसका प्राइस ऑन रोड है 3,43,000। 3,43,000 ठीक है। इसके बाद ये को क्या जाता है नेक्स्ट? ये बैनली का स्कूटर है, कीवे। कीवे ओके। 300cc में ही आपको मिलता है। 300cc का स्कूटर है जी। क्या बात है।
और अगर देख लीजिए, अगर किसी को स्कूटर चाहिए तो 300 सीसी का स्कूटर भी अवेलेबल है यहाँ पर। और ये विद एबीएस है, फ्रंट डिस्क है सिंगल, ड्यूल चैनल एबीएस, रियर सिंगल है विद एबीएस। विद एबीएस इसके प्राइस की अगर बात करें तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है? इसका जो है ऑन रोड प्राइस आपका है 3,90,000। 3,90,000 का जी, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट, ये सेम वही टीआर के, वो जो आप स्टार्टिंग में देखी थी वो एक्स मॉडल है जो मैंने बताया था, ये सिर्फ टीआर के 502 है। ये 502 है जिसका बताया था आपने जी। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 6,98,000। 6,98,000 जी। उसका जो प्राइस था वो 7,56,000 था। ओके, और उसके बाद ये नेक्स्ट? उसके बाद ये मोटो मोरेनी की आ जाती है एडवेंचर बाइक, एक्सकेप 650। एक्सकेप 650, एक्सकेप 650। ये इनलाइन टू सिलेंडर है, लिक्विड कूल इंजन है, फ्रंट ड्यूल डिस्क है विद एबीएस ड्यूल चैनल, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे लगी आप लोगों को, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बात करते हैं इसके भी प्राइस के, तो भाई इसका क्या प्राइस रहने वाला है? इसका जो डेली ऑन रोड प्राइस है वो है 7,10,000। 7,10,000 जी, 7,10,000। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कोई सी बाइक अगर आप लोगों को परचेस करनी है तो आप लोग आ सकते हैं पेनली, राजा गार्डन में लोकेटेड है, रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली में। ये वाली कोई सी बाइक हो या जितनी भी बाइक इसमें दिखाई है, आप लोग आइए यहाँ पर आकर विजिट कीजिए और चेक कीजिए कौन कौन सी बाइक अच्छी लगेगी आपको। मेरे हिसाब से जितनी मैंने बाइक देखी है सारी की सारी बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत अच्छे सस्ते प्राइस में मिल रही है। और दोस्तों रॉयल एनफील्ड की बाइक लेकर जाते हैं आप लोग तो वो भी काफ़ी महंगी आती है, बट उसी के कंपैरिजन में ये वाली बाइक आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग एक बार आइए फैमिली के शोरूम पर आकर यहाँ पर विजिट कीजिए। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।